कैसे हैं आप सब लोग। इस लास्ट 15 दिन के दौरान हमारे सफा होम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज चली, इस सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हमारे सफा होम के अंदर हर दिन एक नया सनराइज होता है, हर दिन एक नए दिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इन लास्ट 15 दिनों के अंदर हमने जो जो एक्टिविटीज़ की, जो जो कल्चर हुए, जो जो हमने मतलब टाइम बिताया 15 दिनों के अंदर, उस सभी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको हमारे लास्ट 15 दिन की एक्टिविटीज़ के अंदर। कहीं मिला सका नहीं नजर में अपने आप से, मैं खुद से भागता रहा यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। शबा शबा शबा, अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे सफा होम के एजुकेशन सेशन में। एजुकेशन सेशन में जो कि हमारे सेल्फ स्टीम के ऊपर था, इसके बारे में हमें बहुत सी मोटिवेशनल चीज़ें बताई गई हमारे काउंसलर द्वारा, हमारे SOD द्वारा बहुत सी मतलब मोटिवेशनल चीज़ें बताई, जिसके अंदर मेनली सेल्फ स्टीम के अंदर जब हम बाहर थे यूजिंग के दौरान, जब हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते थे, मतलब जो हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें थी उनके बारे में छोड़कर हम नेगेटिव चीज़ों को पकड़ने लग जाते थे, मतलब बिल्कुल लो हो जाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल लो हो जाती थी। उसके बारे में हमें बताया, जो कि हमने बखूबी से सीखा, समझा और अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। ये तो शुरू से शुरू हुआ, तो कौवा एक दिन बड़ा दुखी था, किस बात पे दुखी था? वो काला है कि वो काला है, उसकी आवाज खराब है, तो बड़ा दुखी। तो उसने कहा कि मैं उस इंसान उस जानवर को ढूंढूंगा जो कि बड़ा खुश है अपने आप। मुझे समझ में आया इससे कि ग्रास हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा ग्रीन लगती है, मतलब आपको औरों की जिंदगी में ज्यादा नहीं समझ पाता ग्रास का, आपको किसी और की जिंदगी में ज्यादा खुशी दिखती है, आप अपनी जिंदगी में खुशी देख नहीं पाते क्योंकि आपको औरों की जिंदगी में ज्यादा खुशी दिखती है। आपको लगता है दूसरा ज्यादा खुश है? मुझे ये समझ आया कि भगवान ने आपको जैसा बनाया है वही आपके लिए अच्छा है। जैसे कि हमारे इंसानों की बात करें कि हमें जितना भगवान ने दिया उसी में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। हर इंसान को दोस्ती की जिंदगी ज्यादा बेहतर लगती है। ये एक एस्पेक्ट है कि सबको अपने से ज्यादा लगता है कि दूसरे खुश है, दूसरे बेटर कंडीशन में, एक हिस्सा ये। दूसरा हिस्सा वो है जो अफनान ने बोला कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां है। और तीसरा क्या था? जो जैसा है उसको वैसे में ही खुश रहना चाहिए। ये तीन निकले। सेल्फ स्टीम से क्या कनेक्शन है? सेल्फ स्टीम क्या है कि आप अपनी नजरों में आपकी इज्जत क्या है, आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो या कैसा महसूस करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ एस्टीम। अब हम बात करते हैं 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमने फ्लैग होस्ट किया, उसके बाद हमारी सफा आर्मी द्वारा एक शानदार परेड की और दिन का वेलकम किया। देन बाद में हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया, रंगोली मेकिंग कंपटीशन किया, और उसके बाद जैसे ही शाम हुई हमारे यहाँ कल्चरल इवेंट हुआ जो कि बहुत शानदार कल्चरल इवेंट था। तो ये था हमारा इंडिपेंडेंस डे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आदरणीय रंजन सर और समस्त
स्टाफ, सीनियर स्टाफ और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जब मैं बात करूं नशे से आजादी की तो आपको दो पंक्तियां और सुनाऊंगा। अपराध बड़े हैं नशे के कारण, करना होगा इसका निवारण। तभी तो सब दुख भागेंगे, खुशियों से झूमेगा हर आंगन। बस सोच यही अपनी रखनी है, यही रखना है अपना निशाना। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, नशा मुक्त है भारत बनाना, नशा मुक्त है भारत बनाना। बेताना दर्शन लो भारत को, क्यों शाम पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सफा होम ने उनका सेंड ऑफ किया, हौसला अफजाई की और उनको खुशी खुशी विदा किया। तो आइए देखते हैं।
सब आज यहाँ बैठ के मिले, सब परफॉर्म कर रहे हैं। और वही दो साल पहले जैसे आप बैठे हो, मैं वैसे बैठा था। मतलब ये सब मैंने यहीं पे कमाया, मुझे इस काबिल समझा। मतलब आपको लगता होगा कि स्टार्टिंग से ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप फर्स्ट डे यहाँ पे आते हो, मैं भी सेम वैसे था। मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जा रहा, हमेशा शफा के साथ रहूँगा। और सर ने मुझे एक चीज़ कही थी, वो मैं बोलूँगा नहीं, मैं उस चीज़ पे खरा उतरूँगा। आकाश जी बिलासपुर से चंडीगढ़ अपनी स्टडी करने के लिए गए। आकाश जी ने स्मोकिंग से अपने एडिक्शन की शुरुआत की। रक्षाबंधन एक बहन और भाई के रिश्ते के अंदर एक पवित्र त्यौहार, जिसके अंदर हमारे सफा होम में कुछ बहनों ने आकर हमारे सफा होम के सभी भाइयों को राखियां बांधी, उनकी लंबी उम्र की कामना की, उनके अच्छे से तंदुरुस्त और पूर्णतः ठीक होने की दुआ की। तो आइए देखते हैं कैसा गया हमारा ये दिन। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। छोले भटूरे बनाए और बारबेक्यू नाइट हुई। तो आइए देखते हैं हम कैसे इन चीजों को बनाते हैं।
हो चांद चाहूं ना चकोरा ना पलक का टुकड़ा 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 नूर चाहूं ना महूरी ना परीसा मुखड़ा 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 संग संग चल दे संग संग चखले मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा उसे खाबों से जगाऊं उसे बाहों में सुलाऊं सर आंखों में बिठाऊं उसे हाथों से खिलाऊं ताऊ मल दिल ने दस्तरखान बिछाया ओ दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है दिल ने दस्तरखान बिछाया हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया उनके कालीन बनाया है तेरे लिए तारों को तोड़ करके तश्तरी में सजाया है तेरे लिए। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे सफा होम के अंदर बर्थडे और रिकवरी बर्थडे को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और रिकवरी बर्थडे को तो बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे सफा होम के अंदर लास्ट 15 डेज के अंदर रिकवरी बर्थडे कैसे मनाए गए। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक तुमको सौ सौ बार है हर बार है बार बार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। अंबर में जितने तारे कदमों में हो तेरे सारे अंबर में जितने तारे कदमों में हो तेरे सारे फूलों सा महके हर पल थम जाए यूं ही बहारे। तेरी हर एक हंसी पे जग सारा निसार है। फैमिली ये थी हमारी लास्ट 15 डेज की कुछ एक्टिविटीज जो कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मुलाकात होगी आप सभी से अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग के अंदर।